नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है चैनल पर। और इस वक्त हम बाड़ा में हैं। आप लोगों को पहले बार रिपोर्ट दिखाई थी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी जो हैं वो काफ़ी रोषज़दा हैं, और उसी रोषज़दा के चलते आज जो है यहाँ जो उनके द्वारा अपना रोष प्रदर्शन सड़कों पर किया जा रहा है। मैं चाहूँगा सहयोगी से कि आगे आ जाएँ कि किस प्रकार से यहाँ पर आज भाजपा का जो पुतला बनाया गया था उनके झंडे लपेट लपेट करके यहाँ पर जो पुतला बनाया गया था, अब उस पुतले को यहाँ पर जलाने का जो काम है वो यहाँ पर कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार भाजपा मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे या वो जो भाजपा छोड़ रहे हैं वो सब लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर भाजपा के जो फ्लैग थे, जो उनके झंडे थे, उनमें भी आग लगा दी गई है। और जो पुतला है उसको जला करके यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगातार जो एक एक बोर्ड अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि मैं भी सुखविंदर, मैं भी सुखविंदर, मैं भी सुखविंदर, और जहां सुखविंदर वहां हम, इसके जो नारे के साथ में यहाँ पर आज बोर्ड लेकर के यहाँ पर लोग खड़े हैं। उनके सुखविंदर मांडी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, और वो अपना यहाँ पर जब उनको टिकट नहीं मिली है तो वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस प्रकार से टिकट का बंटवारा जो हुआ है जो अभी, तो वो बहुत ही गलत हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है वो किस प्रकार से लोग जो हैं वो पैरों से रोंद करके, जो पुतले को पैरों से रोंद करके यहाँ पर जो है अपना जो विरोध है वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं। जी, विरोध दर्शा दिया है, पैरों से रोंद दिया है, एकदम बिल्कुल रोंद दिया है, कतई बिल्कुल। जी, हम तो सुखविंदर के साथ हैं। जी, वो जितना दिन से इन्होंने काम किया है पार्टी के अंदर, हमने सब नए अब नए नए आ गए, तो देखो ये क्या बात है। जो 15 साल से संघर्ष कर रहा है उस आदमी को तो चलो एक उड़ने, और नए नए जो आते हैं उनको बोला भाई इधर कर लो। बिल्कुल, 15 साल से जो लोग लाइन में लगे पड़े थे, जो संघर्ष कर रहे थे, उनको छोड़ दिया गया है। और उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी का जो गुस्सा है वो यहाँ पर जो पुतला फूंक करके दर्शाया जा रहा है। यहाँ नीचे दिखा दीजिए किस प्रकार से जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अपना जो रोष है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। पुतले को जलाया जा रहा है, यहाँ पर एक एक झंडा बांध बांध करके यहाँ पर उसको पुतला बनाया जा रहा है। वो झंडा, डंडा, सब कुछ यहाँ पर जलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर युवा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाई क्या करने वाले हो अब आगे? भाई जो ऊपर से जो भाई साहब का जो फैसला होगा वही करेंगे, लेकिन ये बीजेपी पार्टी है, हमेशा ये परिवारवाद करती है। आप चाहे तो बड़ी बात कहते थे, परिवारवाद नहीं करते हम, परिवारवाद अब करती है। आप इधर से दादरी की सीट देख लो, तो हम वही देख लो। अब जैसे उन्होंने सुरती को दे दिया, किरण को ऊपर भेज दिया, और फिर इधर से अटल वाली देख लो, लड़की को दे दी आरती को, तो जो कोई भी बंदा जो इधर तो लगातार संघर्ष कर रहा है उसकी तो अनदेखी की जा रही है। और बाड़ा में भाई साहब ने बीजेपी को यानी कि बोलते हैं ना, बोलो छोटा पौधा लगा के इसको बड़ा किया है, तो इसको भाई साहब ने बड़ा किया है। तो आप क्या करोगे, भाजपा के विरोध में वोट डालेंगे? बिल्कुल जी, तो भाजपा के विरोध में वोट डालने वाले हैं। यहाँ पर और भी भाई लोग हैं। ताऊ जी क्या कहोगे कि क्या करने वाले हो अब? क्या सुखविंदर के साथ जहाँ वो जाएंगे वहीं जाने वाले? सुखविंदर के साथ तन और धन और मन के सुखविंदर के साथ है, क्योंकि इसके साथ बीजेपी सरकार ने बड़ा धोखा किया है। और ये सुखविंदर के साथ नहीं, बहुत से बड़े बड़े मंत्री लीडरों के साथ बीजेपी सरकार धोखा करती आ रही है। ये चीटिंग पीटिंग की पार्टी है। तो ये चीज पहले नहीं दिख रही थी कि ये धोखेबाज पार्टी है, जैसे आप कह रहे हो? हम हमारे लेवल के ऊपर संघर्ष कर रहे थे हल्के के लिए, कोई इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया उसका, ना कोई वर्के का वजूद समझा इन्होंने। ठीक है, तो आखिर में हार गए, इनको छोड़ना पड़ा। जी, तो आप छोड़ दिया है तो किसी दूसरी पार्टी में जाने का विचार? वो अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, आप लोगे फैसला आज शाम तक ले लेंगे। आज शाम तक? हाँ। क्या सुखविंदर जी को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आज तो वो पहुंचे नहीं है? वो बाहर गए हुए कहीं थे नहीं, देर रात वो घर आए थे, तो सुबह जल्दी फिर निकल गए थे दोबारा, तो घर पे थे नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं टिकट के जुगाड़ में लगे हैं? नहीं जी, नहीं नहीं, तो हम तो अब सिर्फ बीजेपी को हराना ही एक मकसद है। जी, बीजेपी को हराना मकसद। और यहाँ पर देख लीजिए, इधर देखिएगा किस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना जो गुस्सा है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। बीजेपी मुर्दाबाद के जो तमाम जो पोस्टर थे वो भी यहाँ पर बीजेपी के नाम को भी यहाँ पर इन लोगों के लिए दोबारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर देखती है, यहाँ पर पूछते हैं, जी क्या गुस्सा है? इन जातवाद हुआ दिखोगी में, और फिर भाईचारा खत्म कर दिया,
आओ सिर्फ लड़ा दिया हमें, छत्ती बना दी एक नैना भी बना दिया हमने, तो आप इकट्ठे हो जाओगे? हाँ इकट्ठा हो जाओ, हरिजन मारो भाई, जोगी समाज मारो भाई, अब बीजेपी नाश कर दियो। अच्छा आज सीएम साहब बता दिया क्या हुआ? यहाँ पर सुन सकते हैं और एक एक के बाद देखिए यहाँ पर जो बीजेपी जिस चीज के ऊपर भी लिखा गया है उसको यहाँ पर जलाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर और भाई भी लोग हैं जी, भाई क्या लग रहा है, क्या करने वाले हैं भाई? 18 साल सुखविंदर ने कड़ी मेहनत दिन रात एक करके बीजेपी की सेवा की और हम उनके साथ थे और अब सौदेबाजी में रुपए में देके टिकट दे दी किसी को भी आगे बाढ़। हमें कितने रुपए में बेच दिया? करोड़ों में बेच दिया। अच्छा वो खुद कहता कैंडिडेट में खरीद के लाया और जनता को भी खरीद के पैसे में वोट दिलवाऊंगा मैं। मैंने जिला उधर भी दिखाते रहे कैसे पुतले को जलाया जा रहा है, दिखाते रहे वहां पे भी पैसों के दम पे जीता था और ये भी चुनाव में दम पैसों के दम पे जीतूंगा। सब कुछ पैसों का खेल है, पैसों का खेल है भाई साहब। लोग तो पार्टी में बता रहे हैं लोगों की भावना के साथ काम किया जा रहा है, ये हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे। जो सुखविंदर मांडी जी ने काम किया है दिन रात मेहनत करके पूरे हरियाणा में किसान मोर्चे के नाम से 20-22 हजार आदमियों को जोड़ने का उन्होंने अकेले ने काम किया है, इतना तो पार्टी में कोई संगठन में कोई आदमी दूसरा इनके मुकाबले काम ही नहीं कर सकता और आज उस चीज का इनको ये इनाम दिया जा रहा है। इस वजह से भारी विरोध जी। ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये है कि पार्टी से टिकट ही कट गई जी भाई साहब, पार्टी से टिकट कट गई, कितना रोष है? रोष पूरा रोष है। अच्छा तो अगर वो अब यहाँ से खड़े होते हैं निर्दलीय है किसी दूसरी पार्टी से सुखविंदर मांडी तो क्या जिताओगे उनको? हाँ उसी को वोट दूंगा मैं तो, उसी को देंगे कहीं। अब जो मेन जो वोट बैंक था वो कहीं टूट तो नहीं जाएगा? नहीं टूटेगा, भाजपा का भी काफी वोट बैंक था, टूटेगा कुछ तो टूटेगा। तो जीत पाएंगे? जीत पाएंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी का समर्थन भी कर सकते हैं? भाई साहब आएंगे वही बताएंगे, वो उसी के साथ हम सुखविंदर के साथ जी, सुखविंदर के साथ ही हैं। और दूसरी तरफ इधर दिखा दीजिए भाई, इधर दिखा दीजिए कि किस प्रकार से जो तमाम जो वो पुतला जो है वो लोगों के द्वारा यहाँ पर फूका गया है, ये तमाम जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर जो अपना गुस्सा है वो यहाँ पर जाहिर कर दिया है। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं, जरा इनसे बात करते हैं। युवा साथी तो पहले ही भाग रहे हैं भाई जी, कहाँ से हो? पूरे बाड़ा थे। आप भी साथ में थे क्या इनके? ना मैं तो अपना काम करना है। काम कर रहे हो? हाँ। तो भाई साहब आज ये इन्होंने भाजपा वाले ने भाजपा छोड़ दी, उसी को क्या ही पुतला फूंक दिया, क्या लग रहा है भाई? ये बताओ ये यान की सोच है? अच्छा जो सोच है वो यान की ठीक होगी जी। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ बाड़ा में किसका माहौल था? बीजेपी को तो के बेरो भाई, मैंने माहौल माहौल को तो कौन बेरो, आप ही तो अपना काम करे अगर बस। अच्छा। काम तो काम रखा अगर आप ही कौन बेरो भाई? चलिए भाई साहब काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहने से बच रहे हैं। यहाँ पे भाई आए हैं जी, भाई क्या लग रहा है ऐसे पुतला फूंक करके बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा? भाई पढ़ना चाहिए। किस तरह का फर्क पड़ सकता है? मेरा का लोकल आदमी है। अच्छा हाँ तो इस वजह से क्या जीत पाएगी फिर भाजपा यहाँ पर? भाजपा कौन जीतता है भाई? कौन जीतेगा? कांग्रेस। कौन जीतेगा जी? देखो जी जो कांग्रेस का आया सुखविंदर जीत चुका था बीजेपी तो था। अच्छा सुखविंदर आता तो जीतता है? कलियर जीतता जी इनका, आता तो जीतता जी। भी अगर जाओगे सोमवीर को सलाह होगा तो जीतेगा, नहीं फिर नहीं मेरा भाई। अच्छा क्या लग रहा है जी? देखो जी ये सुखविंदर तो आ जाता जीत जाए, कैंडिडेट यो इशारा इसका नहीं था गया इसको जो निर्दलीय लड़ा, तो इनकी तो टिकट कट गई, कट गई तो उम्मीद पातुवास आ गए तो समाज मत कौन करी, समाज निर्दलीय लड़ा जो पातुवास तो 20 साल हो गया है, कहे चौटाला में कहे क्या है मैं सांग भी के है। अब की बार जैसे सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में ही मुकाबला रहेगा, बाकी का तो कोई कुछ नहीं रहेगा। कांग्रेस बीजेपी मुकाबला तो जब सुखविंदर मांडी आड़े हो बीजेपी उम्मीदवार हो जीत हो, तो अब मुकाबला ही खत्म, मुकाबला को तो अब एक तरफा कौन दिख रहा है? कांग्रेस को कोई आ जाइए, एक्स वाई जेड कांग्रेस का कोई आ जाइए जी, कोई आ जाना जी। भाई से पूछते हैं भाई क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है? भाई सुखविंदर के साथ है, कहीं पर जाए वहीं पर साथ है उसके साथ, निर्दलीय लड़ेंगे तो साथ है उसके, कांग्रेस में चले गए तो साथ उसके उसके साथ, तो फिर भाजपा की विचारधारा का क्या होगा? नहीं है सुखविंदर के साथ थे। अच्छा। कहीं पर जाए उसके साथ है, मतलब भाजपा के साथ नहीं थे सुखविंदर के साथ? सुखविंदर के साथ सारे पदाधिकारी हैं, टोटल पदाधिकारी बीजेपी के रहे हैं। ठीक है आपका क्या पद था? हमारा तो पन्ना प्रमुख है जी। पन्ना प्रमुख? हाँ जी। अच्छा जहाँ सुखविंदर जाएंगे सभी कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। कौन से एरिया से आप पन्ना प्रमुख हैं? बांडवा से। बांडवा से? हाँ जी बांडवा। अब क्या लग रहा है? हाँ बाड़ा से ही है, बांडवा भी बाड़ा में ही है। हाँ जी जी। तो क्या लग रहा है अब माहौल क्या बदलेगा? माहौल ये बदलेगा जी, बीजेपी बिल्कुल खत्म है। कौन जीतेगा यहाँ से? देखो जी अभी कौन जीतेगा, बीजेपी
बीजेपी बिल्कुल खत्म है, बीजेपी तो खत्म होगी, दूसरी पार्टी भी तो कोई होगी ना। पार्टी जहाँ सुखेंद्र जाएगा वहाँ जाएंगे, वो जीतेगी, वही जीतेगी। अच्छा, और ये कहीं नहीं गए तो? नहीं, कहीं नहीं गए तो बीजेपी में रहे तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, नहीं बीजेपी तो छोड़ ही दिया उन्होंने, इस्तीफा दे दिया। नहीं, सुखेंद्र लेकर किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए तो? नहीं गए तो वो हमको बताएगा कुछ। ठीक है, आपको क्या लगता है, आप अगर उनसे, आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे, कौन सी पार्टी में जाना चाहिए? नहीं, पार्टी की नहीं बता सकता जी, हम कौन सी पार्टी में। अब क्यों घबरा रहे हो, अब क्या ईडी का छापा लगने का डर है क्या? हमको यही, हमने आदेश मिलेंगे ना, उस आदेश के हिसाब से। हमारा अध्यक्ष है मंगलगोपी, बड़ी दबी जबान में बोल रहे हो। नहीं, जैसे अभी भी डरे पड़े, दबाव सामने मारो वोट को अधिकार है, मानव अधिकार है, आप नहीं छीन सकते और नहीं छीन सकता, दबाव क्यों हो। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं, अगर आपसे सुखविंदर पूछे कि कौन सी पार्टी में उसको जाना चाहिए, पूछे तो गाई अपने कार्यकर्ताओं से पूछेगा, क्या बताओगे कौन सी पार्टी में? वो तो उसका फैसला है जी, वो तो फिर आपसे क्यों पूछे, क्यों उसका वोटर है तो फिर आप बताओ क्या, कहाँ पर उसको बताओगे? भाई उससे मिल के बुझा सारी, मैं एक दो डिसीजन के साथ, मैं तो आपका डिसीजन पूछ रहा हूँ, आपका मन किधर करता है? मैं तो जी वो कहो ना जागो, मैं तो उसके साथ हूँ, मतलब बताना नहीं है। नहीं भाई, मैं जो आप एक बात, हम लोग टोटल हाजिर ले जावा, आग लो जाए राज्य को नहीं मारो तेरा। अच्छा, नहीं जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता जिधर बोलेंगे उधर जाएंगे, जिधर ज्यादा बहुमत होगा तो कार्यकर्ता हमारा दो भाइया तो बोली ये माले। आप भी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ किधर? नहीं जी देखो, वो उसका फैसला नहीं बताएंगे, हमारा सुखविंदर अगर जो कहेगा ना वही जाएंगे, जहाँ जो कहेगा रोड के ऊपर बैठ जाओ तो हम रोड पे भी बैठ जाएंगे। और किसी और को उन्होंने कहा कि इसको वोट डाल दो, मैं कहीं नहीं जा रहा, जिसको कहेगा ना उसी का वोट डाल, जिसका कहेंगे उसका वोट डालोगे जी? भाई साहब आप उसी पार्टी में को नहीं, कौन सी पार्टी में हो? हम तो ये कांग्रेस का प्रचार करवा रहे हैं। तो कांग्रेस का तो तारा रास साफ हो गया? हाँ, तो रास साफ को के बता सुनाई, क्यों कौन ही हो रास साफ? रास साफ ना तीस तक में फर्क कौन पड़ना था, कुछ फर्क नहीं पड़ना, ये नहीं कहा हम तो जीत जाते हैं, हम बस जीतने का प्रचार नहीं। हाँ जी, कांग्रेस का घेरा वोट। अच्छा, खुला घेरा। हाँ बता दी, सुखविंदर भी कांग्रेस में जागो, टिकट खातर जा रहे हो दिल्ली, नहीं भी मिली तो कांग्रेस का वोट घेरांगा, कांग्रेस का घेरा भाई। 27,000 की लीड लोकसभा में थी, इसको 54 करेंगे। वाह जी वाह, तो बड़ी जीत दिलाने वाले, बड़ी जीत दिलाएंगे बीजेपी का। तो हरियाणा में सरकार किसकी चाहिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चाहिए, कांग्रेस की। ठीक है, आपने भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। किसकी? भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा की, इब क्या बोल ले, आखिरकार बोल ले, बोल ले जी, आपने किसकी सरकार चाहिए जी? कांग्रेस की भाई। अरे मुख्यमंत्री कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लो जी देख लो, एक एक करके है ना जी। जी बीजेपी जी तुम्हारा नाते टूट लियो, बता हम कहाँ है बीजेपी ने, हमारा आदमी कैंडिडेट के तो टिकट नहीं जीता, वहाँ का क्या करांगा। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, और यहाँ पर पुतला फूंक दिया गया है, आखिरी कुछ चीज़ें यहाँ पर उसकी बची हुई हैं पुतले की, और लोगों ने साफ साफ जो एक बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हमने पुतला फूंक करके अपना जो रोष है वो यहाँ पर जता दिया है। ये पुतला है और इस पुतले में ये इस तरह के जो भाजपा के जो झंडे थे वो यहाँ पर इन्होंने फूंक दिए हैं, और अब फूंकने के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के साथ वो लोग नहीं हैं और किसी दूसरी पार्टी के साथ जा सकते हैं। कुछ जो कार्यकर्ता, उनका कहना है कि कांग्रेस को वोट देंगे, एक तरफा जिताएंगे, तो देखना होगा बाहड़ा का जो चुनावी नतीजा है वो क्या रहेगा, क्या आने वाले समय में जो चुनाव के दौरान में वोटिंग परसेंटेज रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दूसरे लोगों को, और अगर आपकी कोई राय है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।